दोस्तों, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मेरी वेबसाइट पर ज़रा सा भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मेरी आर्टिकल जो है वो इंडेक्स तो हो रही है बट उसके कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, ये सभी प्रॉब्लम एक न्यू ब्लॉगर्स के साथ होती रहती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप इजीली अपनी वेबसाइट्स के जो आर्टिकल हैं उन्हें रैंक कर लोगे। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जो चीज़ें मैं करता हूँ वो करने के बाद मुझे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वो कुल मतलब टोटल 5 टिप्स आपको बताऊंगा, जो चीज़ें आपको अपनी अपने नेक्स्ट आर्टिकल में करनी है और करने के बाद आपको रिजल्ट देखना है कि जब आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स होने के बाद वही 10 से 15 दिन बाद आप देखना कि आपका आर्टिकल जो है, अगर उसी तरीके से आपने लिखा होगा, जिस तरीके से जिस टिप्स को मैं बताऊंगा, तो आपका आर्टिकल भी गूगल पर रैंक कर जाएगा। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह आप भी अपने आर्टिकल को बिना बैकलिंक्स के रैंक करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा लेना। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात बोलूं कि गाइस देखो, आर्टिकल जैसे कि रैंक कराना चाहते हो तो आपको आर्टिकल रैंक कराने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको आर्टिकल पहले आपका टॉपिक फाइंड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट आपको कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद जो टाइटेल, उसके बाद आपकी जो कीवर्ड की प्लेसमेंट होती है वो, और नेक्स्ट इमेजेस। ये 5 चीज़ें जो हैं जो आपको अपनी आर्टिकल को लिखने से पहले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मैंने वो 5ों चीज़ें इम्बिट की हैं और वो 5ों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप अधिकतर चीज़ें जानते होंगे, जैसे कि आप मतलब जो चीज़ आर्टिकल में लिखी जाती है, जो चीज़ें की जाती है वो अधिकतर आपको मालूम होगी, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने आर्टिकल को लिखने से पहले। तो वो चीज़ें हम आपको अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल लिखने से पहले करना क्या है, सबसे पहले आप अपना टॉपिक चूज़ करो। टॉपिक चूज़ करने के बाद, जैसे मैंने टॉपिक ले लिया राकेश शर्मा जी का जीवन परिचय, ठीक है। अब टाइटल हो गया, टाइटल के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले कीवर्ड्स निकाले। मैं एचरेफ टूल गया, मैंने यहाँ पर मतलब कीवर्ड सर्च किया और कीवर्ड देखा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। मैंने इनमें से जो जो सर्चिंग वाले कीवर्ड्स हैं जिनकी सीपीसी अच्छी वॉल्यूम है, तो उन कीवर्ड्स को मैंने निकाल लिया। ठीक है, कम से कम 10 से 12 कीवर्ड्स निकाल लिया जिसमें मुझे रैंक कराना है, और अपना जो मेन टारगेट कीवर्ड्स है उसे भी ले लिया। ठीक है, जैसे कि मुझे राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट पर रैंक कराना, तो ये भी कीवर्ड ले लिया। नेक्स्ट, ठीक है, कीवर्ड निकाल लिया। अब कीवर्ड्स के बाद आपको आर्टिकल राइटिंग पे मेन फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका कंटेंट तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किसी भी तरीके से रैंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने आर्टिकल को लिखूँगा। तो अब आर्टिकल लिखने की स्ट्रैटेजी क्या है कि देखो, आर्टिकल आप ऐसे तो लिख नहीं दोगे, अब जैसे जीवनी बता रहा हूँ, तो जीवनी में क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए मुझे, क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें बताऊँ जो चीज़ें अदर ब्लॉगों ने नहीं बताई है, जिससे कि हमारा आर्टिकल जल्दी रैंक हो। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन अगर सब लोग देंगे या हम भी उसी इन्फॉर्मेशन को देंगे, तो गूगल हमें इतनी जल्दी रैंक नहीं देगा। बट उनसे अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि उन्होंने 5 टॉपिक क्लियर मतलब कवर किए हैं, मैं 6 टॉपिक कवर करूंगा, और भी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें अदर ब्लॉग्स में नहीं है, तो गूगल को लगेगा कि हाँ, ये बंदे ने कुछ अलग बताया है, क्रिएटिव चीज़ ही है। ठीक है, अच्छी चीज़ें, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस पर्पज से गूगल मुझे मतलब रैंक करेगा, मतलब जो गूगल मुझे प्रमोट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने फर्स्ट पेज पर जितने भी वेबसाइट थी, जितने भी रैंक हो रहे थे इस कीवर्ड्स पे, उन कीवर्ड्स से जितने भी हो सकते थे अपने वो जितने भी चीज़ें थी उन चीज़ों को देखा। देखने के बाद मैंने एक हेडिंग तैयार की, जैसे कि मैंने सबसे पहले हेडिंग तैयार की राकेश शर्मा का जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन, राकेश शर्मा का परिवार, करियर, अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है, अंतरिक्ष के कार, मिशन सब, ठीक है, पुरस्कार, इसरो में प्रवेश, व्यक्तिगत जीवन, टाइमलाइन। तो इसी तरह मैंने ये पूरा एक एक हिंट के लिए कि मैं आगे भूलूँ ना, उसके लिए मैंने एक ट्रिक मतलब बना रखी है कि मैं पहले ही हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग का मतलब आइडिया के लिए, हेडिंग मैं कुछ और रखता हूँ, बट मैं एज अ मतलब कि आगे मुझे दिक्कत ना हो
खोजने में कि जो चीज़ें मुझे लिखनी है वो चीज़ें मैं भूलूँ ना, इसलिए मैं एक ऐसे बायोप्रिंट की तरह समझ लो कि मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम की तरह। इसे ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है किसी डायग्राम को समझने के लिए, वैसे मैं इसे बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आर्टिकल फिर क्या करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। अब जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि आर्टिकल लिखते लिखते मुझे काम आ जाता है, तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है। अब नेक्स्ट इसके बाद जब मैं आता हूँ, तो मुझे जब मैं ये चीज़ नहीं बनाता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं भूल जाता था कि मुझे कौन कौन सी हेडिंग कवर करनी है, और उससे क्या होता था कई हेडिंग छूट जाती थी। पर जब मैं ये चीज़ बना लेता हूँ तो उसके बाद मुझे हमेशा याद रहता है कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद मुझे अंतरिक्ष के कार्य के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करता हूँ, सारे ब्लॉक्स को रीड करता हूँ, और उनमें से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उन्हें अपने ब्लॉक्स पर लिखता हूँ, और पूरा एक यूनिक आर्टिकल तैयार करता हूँ, कम से कम 2000 वर्ड का, ठीक है। 2000 से ऊपर का भी मैं बना देता हूँ, बट जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसमें मुझे 2000 किसी भी तरह पूरा करना रहता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रैटेजी है कि आपको अपना आर्टिकल जो है बिल्कुल तगड़ा बनाना है, ताकि वो गूगल की नज़रों में बिल्कुल एक यूनिक आर्टिकल लगे, तभी वो आपको एक अच्छी रैंकिंग देगा, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा चीज़ जो है मेरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका टाइटल। अब जैसे कि ये टाइटल है, पहले भारतीय अंतरिक्ष, नहीं, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की जीवनी, राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अब टाइटल आपको ऐसा देना है कि जो अट्रैक्ट करे, क्योंकि आपका टाइटल ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जब गूगल पे लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर 10 रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट में अगर आपका भी एक रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें से जो आपका एक तरीके से समझ लो जो यूज़र होगा उसे आपको अट्रैक्ट करना है। कुछ ऐसा टाइटल दो कि वो देखे, देखने के बाद उसका मन बिल्कुल क्लिक करने पे हो ही जाए कि हाँ मुझे इसी में जाना है, उस पर क्लिक करके आए। तो वो टाइटल आप सोचो दिमाग से कि आप किस पे कैप्चर करते हो, ठीक है। आप कोई चीज़ जब सर्च करते हो तो आपको कैसा टाइटल अच्छा लगता है, उसी तरीके से सोच के एक टाइटल, मतलब टाइटल सोचो और उस टाइटल को यहाँ पर लिखो, ठीक है। और टाइटल के साथ आपको अपना कीवर्ड डाल देना है, ठीक है, जो मेन कीवर्ड है, ठीक। अब चौथी चीज़ है कि आर्टिकल में किस तरह आपको कीवर्ड्स लगाने हैं, कीवर्ड्स कैसे प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये आपने देखा कि मेरा हेडिंग है, मैंने आप लोगों से बताया कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब जैसे कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को मैंने निकाल तो लिया था, अब इन कीवर्ड्स को प्लेस कैसे करूँगा। तो मैंने बताया ना कि सभी कीवर्ड्स को हेडिंग वाइज प्लेस करो। अब जैसे कि राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट, उसके बाद राकेश शर्मा का जीवन परिचय, तो मेरा कीवर्ड भी देखो राकेश शर्मा बायोग्राफी, उसके बाद राकेश शर्मा प्रारंभिक जीवन, राकेश शर्मा बायोपिक, ठीक है। उसी तरह और भी आएंगे नीचे कीवर्ड्स मिलते रहेंगे, राकेश शर्मा करियर, एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, उसी तरह जो जो कीवर्ड्स मिल जाते हैं रिलेटेड तो मिला देते हैं। देखिए राकेश शर्मा का अंतरिक्ष यात्रा, राकेश शर्मा ऑन मून, ठीक है। तो लोग ये सब कीवर्ड्स जो है सर्च कर रहे हैं, तो इन्हीं के साथ मैं मिला के कर देता हूँ, ठीक है। राकेश शर्मा अवार्ड्स, सम्मान पुरस्कार, ठीक है, इसी तरह और भी, राकेश शर्मा बायोग्राफी, और भी इसी तरह जितने कीवर्ड्स टाइटल के मतलब मैचिंग में मिलते हैं कीवर्ड्स, उन्हें क्या करता हूँ उन्हीं टाइटल के साथ लगा देता हूँ। तो कोई कोई टाइटल मिल जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर करके करना पड़ता है, तो ठीक है। ये होता है चौथा तरीका आपको कीवर्ड प्लेसमेंट करने का, ये जो मेरा सब ये मेरा सबसे बेस्ट तरीका है कीवर्ड को प्लेस करने का, ठीक है। क्योंकि इस तरह गूगल की नज़रों में ये स्पैमिंग भी नहीं लगेगा, और जो लोग कीवर्ड्स को सर्च करेंगे उनके सामने ये जल्दी से जल्दी शो भी होगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा चौथा टिप्स आर्टिकल के लिए। और बाकी जो पांचवा टिप्स है, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो गाइज देखो, अगर आपको अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराना है तो आपको उसके लिए अपने यूज़र को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको कंटेंट तो लिखना ही लिखना है, यूनिक कंटेंट लिखना है, बट उसके साथ साथ आपको इमेजेस भी लगानी है। अब जैसे कि मैं देखो अपनी वेबसाइट पर इमेजेस कितने लगाता हूँ, ठीक है, चार्ट बनाता हूँ, चार्ट बनाने के बाद इमेजेस लगाता हूँ, उसके बाद कुछ बुलेट पॉइंट्स भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखता हूँ नंबरिंग करके, फिर बुलेट्स पॉइंट में अच्छे से उसे डेकोरेट करता हूँ, जैसे कि ब्लैक, देखो यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड किया है, अच्छे से इंटरनल लिंकिंग की है, एक्सटर्नल लिंकिंग की है, हर चीज़ को, मेन मेन चीज़ों को बोल्ड किया है। तो इसी तरह आपको ये सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो लोग आपके आर्टिकल को रीड करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसे जानने के लिए आपके आर्टिकल को दोबारा सर्च करेंगे, या फिर आपकी जो वेबसाइट्स है उसे सर्च करके आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा, गूगल की नज़रों में लगेगा कि हाँ इस वेबसाइट में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए लोग इसे सर्च कर रहे हैं, तो गूगल आपको प्रमोट करेगा और फिर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ओके, तो ये 5 टिप्स हैं जो आपको याद रखना है एक बिगनर्स के तौर पे, और इन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्हीं को जब फॉलो करोगे तभी कुछ यूनिक और अच्छा कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।